सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ 2020 में एक शीन हॉल कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट शीन हॉल है एंड मैंने शीन से फर्स्ट टाइम परचेस किया गाइज कुछ प्रोडक्ट। इससे पहले मैं हमेशा स्क्रॉल करती रहती थी एंड मैंने अभी तक कुछ परचेस नहीं किया, बट इस बार दिल पे हाथ रख के मैंने परचेसिंग की है गाइज। सो गाइज, मैंने शीन से कुछ टॉप वगैरह परचेज़ किए हैं एंड कुछ एसेसरीज़ वगैरह परचेज़ करी है। कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं आए हैं। सो मैंने सोचा जो आए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ एंड जो आएंगे मैं उन्हें इंस्टाग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करें तो प्लीज़ मैं आपको यहाँ पर लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप जाके ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ। सो आप मेरे लाइफ अपडेट, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे मैं वहाँ पे सब कुछ अपडेट करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए एंड मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें गाइस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रोडक्ट मुझे इस टाइप की पॉली बैग में रिसीव हुए हैं एंड गाइस मैं भी इस वेबसाइट मतलब इस आप अगर इस सो गाइस, इस टाइप की पॉली बैग में सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं। मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ गाइस एंड मैंने भी सीन से फर्स्ट टाइम परचेसिंग की थी। सो मैंने बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम परचेसिंग की थी इसीलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी ही रखी थी एंड कैश ऑन डिलीवरी की चार्जेस अलग रहते हैं गाइस सीओडी के। एंड इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफली आप तक पहुंच जाए, तो उसका एक ऑप्शन रहता है। उसमें शायद 36 रुपीज़ कुछ पे करना पड़ता, तो वो भी इंक्लूडेड था एंड उसमें कुछ टैक्स वगैरह था वो इंक्लूडेड था। बिकॉज ये इंडिया का नहीं है शीन, ये बाहर का है इसलिए आपको कुछ टैक्स वगैरह पे करने होते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बेल्ट शेयर कर रही हूँ, ये बेस्ट बेल्ट है। सो गाइस, मैंने जब इसे पिक्चर्स में देखा था, मैं आपको स्क्रीन में कहीं भी पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। सो गाइस, ये गोल था, पूरा राउंड था, बट ये मुझे इस टाइप का रिसीव हुआ। सो पहले तो मैंने सोचा कि शायद आई थिंक ये टेढ़ा वेढ़ा हो गया होगा, लेकिन बाद में मुझे मैंने इसे जब ट्राई किया तो इस टाइप से मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये इसी टाइप का होता होगा। बिकॉज अगर पूरा गोल होगा तो आई थिंक वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। सो इस टाइप का ये है, आपको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा आप अपने वेस्ट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये साड़ी के लिए, टॉप वगैरह के लिए, गाउन के लिए बहुत ही अच्छा है एंड ये कलर हर आउटफिट में इजीली चला जाता है। सो फर्स्ट गाइज, ये बेल्ट है एंड ये आई थिंक मुझे 360 या 300 रुपीज़ कुछ में मिला था। मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दे दूँगी और प्राइस वगैरह भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा गाइज। एंड ये स्टेप का है एंड जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का सा स्टेप, यहाँ का शेप थोड़ा गोल है, ये थोड़ा सा डीप है। सो बस मुझे थोड़ा सा इसका ही अलग लगा एंड मैंने वहाँ पर रिव्यू भी देखा था गाइज, तो रिव्यू में भी सभी लोग इसका जो बेल्ट है वो पूरा गोल था। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पे कुछ भी रिटर्न रिफंड का कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता। मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी बट कोई भी मतलब मुझे कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। सो जो भी आप वहाँ से परचेज़ करें तो सोच समझ के परचेज़ करें, मतलब आगे आपको रिटर्न एक्सचेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला है। सो मेक श्योर कि अगर आप परचेज़ करें तो देख परख के ही परचेज़ करें। सो फर्स्ट जो है गाइस, ये बेल्ट है एंड ये मुझे पसंद आया। ये इस टाइप का सेफ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये अच्छे से आपको अटैच हो पा रहा है। सो ये मैंने साड़ी वेयर करूँगी, साड़ी वेयर करने के लिए इसे परचेज़ किया है गाइस। मैं भी आप लोग के साथ डिफरेंट टाइप की साड़ी कैसे वेयर करते हैं मैं आप लोग को सिखाऊँगी, सो इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया। तो फर्स्ट ये है गाइस एंड सेकेंड गाइस टॉप है एंड ये इस टाइप की पॉली बैग में आता है। बहुत ही मतलब अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे शीन की, ये इस टाइप की आप इसमें अपने आगे भी क्लॉथ को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं एंड बहुत अच्छा यहाँ पे आपको ये क्लोज़र मिलता है, आप इससे क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, सॉरी बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सो गाइस, फर्स्ट ये टॉप है इस टाइप का एंड इसमें जो मेरा साइज़ है वो एम है।
आप मेक श्योर कि जब भी आप परचेस करें तो अपना साइज ज़रूर से ज़रूर चेक करें, देन उसके बाद ही परचेस करें गाइस। एंड ये इस टाइप का है गाइस, ये पूरा सीक्वेंस वर्क में है एंड आपको ये बिल्कुल भी पहनने में चुभेगा नहीं, बिकॉज अंदर जो आपको ये लाइनिंग दी है बहुत ही सॉफ्ट है, मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है गाइस। सो मैंने इसे न्यू ईयर में पहनने के लिए परचेस किया था, बट मैं कहीं गई नहीं न्यू ईयर पार्टी में, सो अच्छा लगा गाइस। ये क्रॉप टॉप टाइप का है एंड अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटा, बट आप इसे जब वेयर करते हैं स्ट्रेचेबल है गाइस एंड आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हग कर लेता है। सो फर्स्ट ये है, मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी तभी आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आएगा गाइस। सो फर्स्ट ये है, देन उसके बाद सेकेंड ये है, ये भी स्टेप की पॉली बैग में मुझे रिसीव हुआ है, ये रेड इन कलर में है एंड ये बहुत ही प्यारा टॉप है गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं रेड कलर है, आपको आई थिंक उसमें पिंक कलर दिख रहा है बट ये रेड कलर है एंड ये इस टाइप का आपको यहाँ पे इलास्टिक मिल जाती है एंड ये ऑफ शोल्डर है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी जो इलास्टिक है गाइस, आप हैंड्स ऊपर कर लें नीचे कर लें, इसकी जो इलास्टिक है वो ऊपर नीचे नहीं होती है, आपने एक बार इसे एडजस्ट कर दिया तो ये वैसी ही रहती है। सो ये बहुत अच्छी बात है एंड इसमें जो गाइस मेरा साइज है वो एम है एंड ये भी बहुत ही स्ट्रेचेबल कपड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रेच हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप चेक करके ज़रूर लें एंड ये भी गाइस क्रॉप टॉप टाइप का, क्रॉप नहीं कहेंगे, ये मुझे फुल लेंथ आ रहा था बट ये बहुत ज़्यादा फुल नहीं, मतलब नॉर्मल था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। या ब्लैक डेनिम में या ब्लैक प्लाजो में या कोई भी स्कर्ट में, वाइट या रेड स्कर्ट, सॉरी वाइट या ब्लैक स्कर्ट में वेयर करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा एंड इसका मटेरियल भी बहुत ही प्यारा गाइस, बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल है। सो सेकंड गाइस ये टॉप एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस। एंड थर्ड गाइज ये जो है ये ब्लैक इन कलर में है एंड यहाँ पे ऊपर पे पूरा मैस का वर्क किया गया वर्क है, मतलब ये पूरा आपको नेट का वर्क है, नेट भी बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड ये यहाँ पे नीचे आपको ये पूरा फुल लेंथ टॉप है गाइज, ये क्रॉप टॉप नहीं है एंड इसका भी मटेरियल बहुत ही अच्छा है, ये भी स्ट्रेचेबल मटेरियल है एंड इसमें आई थिंक मेरा साइज़ एस है, हाँ इसमें मेरा साइज़ गाइज एस है। सो ये इस टाइप का है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पफी सी स्लीव्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस टाइप की इलास्टिक मिलती है जो कि आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा हग कर लेती है। सो ये भी बहुत ही प्यारा है एंड सामने से इसका नेक इस टाइप का भी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब मैं वेयर करूँगी तभी आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट ये है, पीछे से बैक से ये पूरा प्लेन है, सो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला टॉप भी। इस टाइप के आपको इस वैरायटी में वहाँ पर बहुत कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाता है, आप डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही प्यारे प्यारे टॉप हैं गाइस, बहुत ही कलेक्शन तो बहुत ही प्यारा है एंड ऐसा लगता है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बहुत ही प्यारा लगता है, बट थोड़ा सा वो कॉस्टली है। सो आप अपने बजट के हिसाब से एंड अभी वहाँ पर सेल चल रही थी तो तभी मैंने ये सारी कुछ वहाँ पर से परचेज़ किया गाइस। सो थर्ड ये है, एक और मैंने वाइट कलर का टॉप परचेज़ किया था, मैं आपको यहाँ पे ऊपर मैं कहीं पे भी आपको उसको पिक्चर पोस्ट करूँगी, सो देख लीजिएगा, वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है गाइस। विद इन 4-5 days में मुझे सारा कुछ पिक हो गई थी, मतलब ये सारा 3 टॉप एंड ये बेल्ट ये एक साथ मुझे आए थे। सो गाइस ये
3 से 4 डेज में ही मुझे पिक हो गए थे, बट मैंने जो एक और टॉप मैंने परचेज़ किया था वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी, बट हो सकता थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है। सो जब भी वो आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। सो यही था आज का मेरा हॉल गाइस। मैंने कुछ, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया गाइस, लिमिटेड ही परचेज़ किया था। आई थिंक मैंने 2300 कुछ का परचेज़ किया था सारा कुछ, एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम कैश ऑन डिलीवरी ही रखा था बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। अगर आप वो प्रोडक्ट आता तो मैं ऑब्वियसली पैसे दे के ही मैं उसको लूँगी। अगर मैं पहले ही पे कर देती और नहीं आता तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, इसीलिए। सो गाइस यही था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं अभी सबका ट्राई ऑन हॉल करके आपको दिखाऊँगी। सो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड कोई भी क्वेरी है अगर इस हॉल को लेके गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।